अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे देखने वाले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद करे आपकी दुआ से। हम भी ठीक ठाक हैं और आज की रेसिपी हम बना रहे हैं लोबिया कीमा। और अभी हमने यहाँ पे लोबिया को बॉईल करने रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। अभी भी मैंने रखा है, ये देख लीजिए, अभी लोबिया हमने बॉयल करने रखा है। जैसे लोबिया हमारा बॉयल होगा फिर आगे हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे यूट्यूब फैमिली के साथ। और अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैंने कहा भाई चाय पी ली जाए, क्योंकि अभी चाय पीने का मूड हो रहा है, खाना खाने का मूड नहीं हो रहा है। चलें जैसे रेसिपी स्टार्ट करेंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। सारा धनिया खा जाएंगे आप टाइगर? अरे ये देखिए यूट्यूब फैमिली, मेरा बेटा टाइगर देखे, मैं हरा धनिया तोड़ रही हूँ और ये देखिए टाइगर है ना, हरा धनिया खाने शुरू हो गए। इसके अंदर दरअसल ना घास होती है ना, ये देखिए, तो इस वजह से ये हमारे ना साथ लगे हुए और मुझे तोड़ने नहीं दे रहे, ये देखिए। टाइगर मजा आ रहा है, टाइगर मजा आ रहा है, सारा हरा धनिया खा जाओगे, खा लो सारा, खा लो सारा, खा लो सारा, खा लो चलो खा लो चलो खा लो। जी यूट्यूब फैमिली, हमने आज अपनी रेसिपी शुरू कर दी है। ये देख लीजिए हमारे यहाँ पे भरी है प्याज ब्राउन, इसमें ज़रा सा हमने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा नन्ना सा बस खुशबू के लिए। अभी यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हुई है और ये हमारा मसाला है, टमाटर है, पिसी मिर्चें, हल्दी है, नमक है और हरी मिर्चें, ये तकरीबन चार हरी मिर्चें हैं हमारी। आज हम बना रहे हैं लोबिया कीमा। बीफ का कीमा हमने धो के रखा हुआ है, लोबिया हमारा अभी बॉइल हो रहा है, ये देख लीजिए मिल गया, थोड़ा और पकने दें, थोड़े और बड़े हो जाएंगे। पहले इन्हें भिगो के रखे फिर इन्हें बॉइल करें। देखिए प्याज ब्राउन हो गई, बहुत मतलब डालना है, डालेंगे जैसे अदरक लहसुन हमारा भुना तो मैंने कीमा डाल दिया। पहले एकदम कीमे को भुनने देते हैं, पहले कीमा जैसे भुन जाएगा फिर हम उसको मसाला डालेंगे। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं, लोबिया भिगो के और बॉइल करने बस के बाद मसाला भुने, कीमा तैयार हुआ और लोबिया डाल दें। अभी भुनने लग गया, मैं उसमें मसाला भी डालूंगी। देखिए कीमा जैसे भुना तो मैंने मसाला डाल दिया, अब हमारा मसाला भुन रहा है। जैसे मसाला हमारा भुनने लग जाएगा टमाटर थोड़े से मुरझा जाएंगे, मतलब एकदम मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम लोबिया डालेंगे। और ये हम बना रहे हैं एक पाव कीमा है, आधा पाव हमारा लोबिया है, समझ लें एक पाव कीमा और आधा पाव लोबिया है। आप लोग इस तरह ही हिसाब से बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी हंडिया तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला डाल लें, लेकिन ना आप गर्म मसाला कम यूज़ करते हैं ना, इसमें गर्म मसाला नहीं डालती, आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग कहते होंगे कि मैं गर्म मसाला यूज़ नहीं करती, तो मैं गर्म मसाला इसलिए नहीं करती, हमारे रमजान सबको गर्म मसाला अच्छा नहीं लगता।
पिसा हुआ कभी कभार डाल देती हूँ तो वो मुझे ना सर सालन का रंग काला काला सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो मैं नमक वो पिसा हुआ गर्म मसाला कम डालती हूँ। चलें जैसे हमारा मसाला बन जाए फिर आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए हमारा लोबिया एकदम बॉयल हो चुका है माशाल्लाह से, और गल भी गए और बड़े बड़े बीज हो गए। ये देखिए इसी तरह ही आप अलग इसको बॉयल करिएगा और फिर जब मसाला भुन जाए तो फिर डालिएगा, और गल भी गए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, गर्म हो रहा है भी बहुत जल्द। चले सही मसाला भुन जाए फिर हम ये डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए अभी मसाला भुनने लग गया, लेकिन अभी आपको धुएं की वजह से नज़र नहीं आएगा, भाप इतनी होती है ना। अब निकल रही है भाप, ये देख लीजिए हमारा जैसे कीमा भुना तो हमने इसमें बीज डाल दिए हैं, लोबिया सॉरी बीज बोल रही हूँ, लोबिया डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि मजीद कसर थोड़ी सी और कीमा भी गल जाए। चलिए जैसे हमारा सालन तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए आराम से हमारा सालन तैयार हो चुका है, बीज भी गल गए, फिर आपको भुनने और आप इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल दिए, बस इसी तरह रखिएगा, ज़्यादा सुखाइएगा भी नहीं, ज़रा बीच होते हैं लच लच अच्छा लगता है। चलिए उम्मीद करते हैं यूट्यूब फैमिली कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, और आज आपके साथ मैंने लोबिया कीमे की रेसिपी शेयर करी है। चलिए इसके साथ वालिए को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पास।